हाय, मैं हूँ राहुल मुखर्जी और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप दूध में पानी की मिलावट कैसे जांच सकते हो। आजकल आम आदमी को पता ही नहीं चलता कि दूध या क्या मिलावट कर रहा है, क्या दूध है, क्या ये पक्का दूध ही है या फिर इसने कुछ और इसमें उल्टी सीधी चीज़ मिला दी है। तो इसलिए एक चीज़ है, ये लैक्टोमीटर इसको कहा जाता है। ये आपको मार्केट में 20-30 रुपये का मिल जाएगा। ये पानी और दूध की स्पेसिफिक डेंसिटी को कंपेयर करता है, काफ़ी इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको जैसे आपके पास इसके अंदर एक रेड लाइन होती है, यहाँ पे 30 नंबर पे इस रेड लाइन पे है, मतलब कि दूध की मिलावट बहुत ही कम है। अगर ये उससे ऊपर जाता रहता है तो मतलब यहाँ पे आपको दे रखा है कि 1/4, मतलब इसमें इस पूरे दूध में 1/4 हिस्सा पानी का है। और ऊपर जाता है तो आधा पानी और आधा दूध, और उससे और ऊपर चले जाता है मतलब इसमें सिर्फ थोड़ा सा दूध है और बाकी पानी है। ये आपको इलेक्ट्रोमीटर बहुत ही अच्छा डिवाइस है और ये कई लोगों ने सुझाव बड़े अच्छे से बनाया है। जैसे कि अब हमने इसको दूध में डाला, ये एकदम प्योर दूध है, देखते हैं ये क्या जवाब देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेड लाइन है, जिसका मतलब है कि ये एकदम यहाँ पे एक 30 के पास एक रेड लाइन होती है, कि इसका मतलब कि इस पानी में बहुत ही कम मिलावट है पानी की, इस दूध में पानी की बहुत ही कम मिलावट है। और अगर ये ऊपर चलता रहता है तो यहाँ पे दे रखा है कि 1/4 पानी वगैरह, ठीक है। तो ये आप इसमें बहुत ही आसानी से जांच सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आसानी से देख सकते हो। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, इसमें 1/4 से भी कम इसमें पानी है, बाकी सारा दूध है, मतलब ये एकदम प्योर दूध है और पीने के लिए एकदम स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो आज का हमारा ये वीडियो यही समाप्त होता है। ये वीडियो वैसे लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया गया है, और अगर लोग एक साथ मिल के इकट्ठा होके दूध से कहे तो शायद से वो दूध मिलाना दूध में पानी मिलाना कम कर दे। तो बाय बाय।